यदि इंसान अपने कर्तव्य से, अपने साहस से और लोगों के दुख को अपना दुख समझे, लोगों के जीवन बचाने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दे, तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। दोस्तों प्रणाम। दोस्तों आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। दोस्तों बहुत सारे दोस्त लोग एक पूछ रहे थे कि रावत जी आप भी अपनी एक वीडियोस बनाएं कि आप एक कैसे शिकारी बने, तो मैंने सोचा आज क्यों ना अपने बारे में ही एक वीडियोस बना के मैं आप लोगों को डालूं, शायद आपको पसंद आएगा। क्योंकि एक अध्यापक कैसे शिकारी बना उसकी सारी स्टोरी मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं अपना पारिवारिक या परिवार के संबंध में आपको बता दूं, मेरे बूढ़े दादाजी लक्ष्मण सिंह वो एक सैनिक थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध 1914 में यूरोप में भारत की तरफ से प्रतिभाग किया था उस समय, और उसके बाद जब वो रिटायरमेंट आए तो वो एक बहुत बड़े शिकारी थे। उनके 5 बेटे थे, बख्तावर सिंह, अवतार सिंह, महेंद्र सिंह, भवान सिंह व दीवान सिंह, जिसमें से उनके 2 बेटे आर्मी में थे। बख्तावर सिंह और दीवान सिंह जो हमारे सबसे छोटे दादाजी थे, वे जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय वे आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के साथ गए, और उसके बाद वो बताते हैं कि वो बर्मा या चाइना में कहीं जेल में बंद रहे और लगभग बहुत साल बाद वो वहाँ से छूटे थे। और उसके बाद घर आने के बाद उनको टीबी हो गया, उस समय टीबी का इलाज बहुत कम था, और उसके बाद उनकी मौत हो गई। मेरे दादाजी भवान सिंह जो थे उनके 4 बेटे थे, उसमें सबसे बड़े मेरे पिताजी त्रिलोक सिंह वो टीचर थे, उसके बाद दलजीत सिंह, रणजीत सिंह और राजेंद्र सिंह, ये तीनों फौज में थे। जब मैं छोटा था तो मैं अपने पिताजी के साथ जब स्कूल जाता था और शाम को मैं दादाजी के साथ जो उनके कमरे में उनकी जो बूढ़े दादाजी की शिकार की कहानियां हैं उनको सुनता था, तो दादाजी बताते थे कि बूढ़े दादाजी थे वो अंग्रेज़ों के साथ उस समय शिकार पे जाया करते थे। उनके बहुत सारे दस्तावेज हमारे पास थे, परंतु समय के चलते और क्योंकि होता है समय जब चले जाता है तो उसके बाद उन कागज़ों की अहमियत धीरे 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 कम होती गई। फिर भी जब मैं बड़ा हुआ उसके बाद मैंने कुछ जो उनके लेटर थे वो मैंने संभाल के रखे, और उसमें मेरे पास एक 1912 का कोई लेटर है जब लाहौर कैंट से वो लिखा गया था और दादाजी को उस समय शिकार के लिए बुलाया गया था, कोई अंग्रेज ऑफिसर थे उनके द्वारा वो लेटर लिखा गया है। दोस्तों मैं इसमें भी उस लेटर को शेयर करूंगा। एक लेटर मेरे पास और मैंने बचा के रखा, वो है 1925 का, जब उस समय अंग्रेज़ कोई अधिकारी है वे दादाजी को शिकार के लिए आमंत्रित करते हैं, और उस पत्र में लिखा गया है कि जो उनके साथ जो कुल्ली होंगे या जो दादाजी लोग जो उनके साथ शिकार के लिए गए हैं, या उन्होंने उसमें एक छोटे शिकारी अपने साथ एक छोटे शिकारी को लाने का भी जिक्र किया है, तो उन्हें 8 आना प्रतिदिन दिया जाएगा भत्ता, यानी 50 पैसा प्रतिदिन के हिसाब पे उनको उस समय जो मेहनताना था या उनके जो दिहाड़ी थी वो दी जाएगी। तो ऐसे ऐसे लेटर हैं, और आपको वो भी पता होगा कि कॉर्बेट साहब ने जो रुद्रप्रयाग आदमखोर मारा था वो 1926 में मारा था, तो यानी मेरे दादाजी उनसे बहुत पहले बहुत बड़े शिकारी रह चुके थे। क्योंकि मैं भी उनके दादा की कहानियों और उनके लेटरों से ही मुझे पता चलता है कि उन्होंने भी बहुत सारे आदमखोर उस समय मारे थे। दोस्तों
उसके बाद मेरे जब तीनों चाचा जब वो फौज में थे तो उनकी आर्मी की कहानियाँ सुन के भी मैं बहुत रोमांचित होता था और मैं सोचता था कि मैं भी आर्मी में जाऊं और मैं भी हथियार चलाऊं। दोस्तों 1980 में जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो उस समय मेरे पिताजी जो यही नज़दीक में राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांवली में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे, सेवा काल में ही कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और आप ये लगा लो जब किसी के ऊपर से उसके पिता का साया उठ जाता है तो परिस्थितियां बहुत डामाडोल हो जाती हैं। मैं दो बहनों का अकेला भाई था और बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, छोटी कक्षा 7 में पढ़ती थी। उस समय मेरे चाचा जी जो आर्मी में ऑफिसर थे उनका था सुझाव था कि मैं हाई स्कूल पास करूं और उसके बाद वे मुझे आर्मी में भर्ती करवा देंगे। परंतु मेरी माँ आर्मी में अपने बेटे को भेजने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो ये सोचते थे कि हमारा एक ही बेटा है और उसके पिताजी टीचर थे तो वो भी टीचर ही बनेगा। चाचा के पास एक गन थी जिसको चलाने का मुझे बहुत शौक था और बाकी उस समय कोई हथियार घर पे नहीं था। जब वे छुट्टी काट के चले जाते थे तो अपना हथियार भी अपने साथ ले जाते थे, तो मेरे को इंतज़ार रहता था कि वो कब 2 महीने की छुट्टी आएंगे और मैं उनके साथ थोड़ा शिकार खेलने के लिए जंगल तक घूमूं और जंगल को देखूं। तो एक प्रकार की मेरी अंदरूनी इच्छा थी और हथियार चलाने की भी मेरे को बहुत ज़्यादा इच्छा थी। परंतु जब मैं हाई स्कूल में था तो उस समय मेरे पास NCC थी, तो NCC में कभी कभी फायरिंग के लिए होता था 22 से। और उसके बाद एक बार शायद हम लोग 1980 के लगभग कैंप में देहरादून गए थे और वहाँ हमने राइफल की फायर की थी। PCM से 1982 में इंटर किया और इंटर करने के बाद मैं बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग हेतु 2 साल के लिए गोचर जो सेंटर था वहाँ चले गया। 1982 से 1984 तक मैंने BTC प्रशिक्षण लिया और उसके बाद जून मई में हमारी जो परीक्षाएं हुई अब उसका रिजल्ट जुलाई तक खुलना था। उस समय SSB की ओर से जो एक प्रशिक्षण होता था गाँव में लोगों को राइफल चलाना या हर चीज़ के बारे में गाँव में सिखाया जाता था, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया था। बॉर्डर एरिया में कभी भी बाय चांस कभी चाइना ने इस एरिया को कब्जा कर लिया तो हम किस प्रकार से अपनी कार्रवाई करेंगे उसके बारे में सिखाया जाता था। और उसकी जो बड़ी ट्रेनिंग होती थी वो सरान हिमाचल में होती थी। तो उस समय हमारे पास 2-3 महीने का समय था रिजल्ट खुलने में, रिजल्ट खुलने के बाद ही नियुक्ति होनी थी, इसलिए हम लोग उस समय मैं हुआ और एक मेरे जो ट्रेनिंग फेलो थे वो भी भागवत गेड़ी जी और हम लोग 42 दिन के लिए उस प्रशिक्षण में हिमाचल प्रदेश सरान चले गए। वहाँ पे हमने विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण लिया, हथियारों का छुपाव कैसे करें, किस प्रकार से हम लोग जंगलों में चलें, किस प्रकार से हर प्रकार का जो प्रशिक्षण हमने वहाँ प्राप्त किया और सारे जितने हथियार होते हैं उनको चलाना, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे उनमें बाई चांस रोक आ गई तो उसको कैसे हटाएंगे, वो सारा प्रशिक्षण हमने वहाँ प्राप्त किया। उसके बाद दोस्तों वहाँ अलग अलग ग्रुप थे, अलग अलग कंपनियाँ बनी हुई थी जिसमें सारे लोग जो हम लोग बाहर से गए हुए थे उतने लोग वहाँ थे और सारे उत्तराखंड के लोग जो हम वहाँ पर थे। तो उनमें एक राइफल शूटिंग कंपटीशन अंतिम में किया जाता है कि आप लोगों ने जो सीखा और आप कितने बढ़िया फायरर हैं। तो दोस्तों जब वो कंपटीशन हुआ तो मेरा वहाँ पे 1st प्लेस पड़ा, तो मेरे को बड़ी खुशी थी
कि मेरे को हथियार चलाने का बहुत शौक था और हथियार चलाने में मुझे एक आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती थी। आज उसी राइफल शूटिंग में मैं प्रथम स्थान पे आया था। उसके बाद दोस्तों उन्होंने मुझे ऑल इंडिया फायर कंपटीशन के लिए अरुणाचल प्रदेश भेज दिया। ऑल इंडिया फायर कंपटीशन में मैं अरुणाचल प्रदेश में प्लेस तो नहीं आया मेरा, परंतु एक और बढ़िया अनुभव रहा कि और लोगों को भी मैंने फायर करते हुए देखा और उससे मेरे को और सीखने का मौका मिला। जब मैं वहाँ से वापस लौटा तो SSB वाले मेरे घर आए और माँ से उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, इनको SSB में भर्ती करवा दो और ये बहुत जल्दी ही वहाँ से सर्किल CO बन जाएंगे, बहुत अच्छा इनका फ्यूचर है, इनकी फायर बहुत बढ़िया है और ये बहुत अच्छे पद पे वहाँ रहेंगे और बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। परंतु माँ ने ये कहा कि मैंने तो अपने बेटे को टीचर्स ट्रेनिंग भी 2 साल की करवा दी और अब नहीं, हमको केवल टीचर ही बनना है और इसकी क्योंकि नियुक्ति हमारी होने वाली थी, रिजल्ट खुलते ही हमारी नियुक्ति होने वाली थी, इसलिए माँ ने उनको SSB में मेरे को जाने से मना कर दिया। फिर और उसके बाद हमारा परीक्षा फल आया और मेरी नियुक्ति सर्वप्रथम 16 अक्टूबर 1984 को भविष्य बद्री चूसीमठ में हो गई। दोस्तों नियुक्ति की खुशी थी, परंतु अब ये था कि मैं अब टीचर्स बन गया हूँ और टीचर्स की लाइफ ही दूसरी होती है। अब मेरे पास ये हथियार या इस प्रकार का जो हथियार चलाने का जो प्रशिक्षण था या हथियार चलाने का जो शौक था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, इसका मुझे दुख था। दोस्तों जोशीमठ भविष्य बद्री में जब मैं गया तो गाँव के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत सीधे स्वभाव के थे और गांव में बहुत सारी जो भरुआ मजल लोड जो होती है भरुआ बंदूकें वो बहुत थी उस समय गांव में, तो वो लोग भी उस समय शिकार करते थे और मेरी इच्छा भी थी क्योंकि मैं यहाँ घर से भी चाचा के साथ शिकार खेलने के लिए उसके लिए जाया करता था, इसलिए मतलब कैसे जंगल में चलना है, कैसे जानवर दिखते हैं। मैंने एक चीज़ और देखा था क्योंकि जो मेरे चाचा थे उनकी स्नैप शूटिंग बहुत बढ़िया थी, यानी स्नैप शूटिंग का मतलब है चलते फिरते टारगेट को शूट करना, जो मेरे को अभी तक भी मेरी उतनी बढ़िया वो फायर अभी भी नहीं है। तो जब मैं कितने बार उनके साथ गया तो जैसे कोई जानवर भाग रहा है तो भागते भागते वो उसको फायर करके शूट कर लेते थे, परंतु मेरे पे वो क्षमता बहुत कम आई, उतनी ज़्यादा नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। तो इसी प्रकार से जोशीमठ के जो गांव वाले थे उनके साथ भी मैं वहाँ जो मेरा संडे का टाइम होता था या कुछ इस प्रकार का जो ब्रेक टाइम होता था तो मैं भी उनके साथ वहाँ उनके साथ शिकार के लिए जा। मैंने देखा कि हमारे नीचे वाले शिकार खेलने के जो तरीके थे और वहाँ के तरीकों में बहुत अंतर था। वो लोग अधिकतर जिसको हम हाका कहते हैं वो चारा लगाना बोलते थे, उस प्रकार का प्रक्रिया वो करते थे क्योंकि ऊपर जंगल में वो पहले जो शूटर थे उनको ऊपर बिठा देते थे और उसके बाद चारों ओर से जैसे बाघ या लपट के लिए हाँका करते हैं इसी प्रकार का हाँका ऐसे भी आकार में हाँका स्टार्ट किया जाता था और उसके बाद जो भी जानवर उससे भागेगा वो ऊपर की ओर चढ़ेगा और उसके बाद जो ऊपर शूटर बैठे हुए हैं वो उसको शूट करते थे। तो मैंने देखा एक नया तरीका ये था और उस तरीके को मैंने वहाँ से एक प्रकार से मेरी अपने ट्रेनिंग का एक हिस्सा वो भी बन गया कि इस प्रकार से भी शिकार किया जा सकता है। बाकी उस समय तो लेपर्ड और टाइगर का तो कोई मतलब था नहीं क्योंकि उस समय तक तो मेरे पास अपनी गन ही नहीं थी, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं था और उसके बाद मैं वहाँ से प्रमोशन पे बेमरू और बेमरू से मैं आगरचट्टी गैरसैन में प्रमोशन लेते हुए 1989 में मैं यहाँ पहुँच गया। 1989 में उस समय एक जिलाधिकारी यहाँ पे थे उमाकांत पंवार जी, उनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट में एक राइफल शूटिंग कंपटीशन रखा गया, जिला राइफल एसोसिएशन की तरफ से एक कंपटीशन रखा गया था। तो मेरी उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए बहुत इच्छा थी तो मैं गोपेश्वर गया और उसमें मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। तो जिस दिन उसका शूटिंग कंपटीशन था तो मैं भी वहाँ पहुँच गया तो उस देखा उस कंपटीशन में बहुत सारे लोग आए हुए थे और अधिकतर IS PCS
और ये सारे लोग अधिक थे, पुलिस वाले जो पुलिस अधिकारी हैं और सिविलियन बहुत ज़्यादा कम लोग थे, क्योंकि राइफल लोग उतना ज़्यादा चलाते नहीं थे, फिर भी मतलब ठीक था। तो जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो फायरिंग शुरू हुई, जब मेरा नंबर पड़ा तो मैंने फायर किया, तो उस समय तक .22 की जो फायर थी, .22 की फायर SSB में, NCC में तो मैंने की थी कभी, NCC के टाइम पे मैंने फायर की थी, परंतु मैं उसका टाइगर के प्लाव को भूल गया, क्योंकि इसका टाइगर प्लाव बहुत कम होता है, बिल्कुल हाथ लगाते ही फायर हो जाती है। तो मैंने जो एम किया, और एम करने में क्योंकि हम इससे पहले .7.62 से फायर किया था, LMG से फायर किया था, तो उनमें राइफल का फर्स्ट प्लाव पहले लिया जाता है और उसके बाद तब एम करने के बाद सेकंड प्लाव में फायर होती है। परंतु वहाँ मैंने देखा कि जो मैं एम करने लगा और मेरी जो अंगुली थी वो टाइगर पे गई और फायर हो गई। अरे मैंने बोले ये क्या हो गया, ये तो फायर पहले ही हो गया। तो उसके बाद दोस्तों मैंने उसका मैगजीन निकाल के अलग रखा, फिर उसको लोड करके कंधे पे रखा, कंधे पे मैंने जो अंगुली लगाई तो देखा मैंने, अरे इस पर हाथ लगाते ही ये फायर कर दिया रही है। तो उसका टाइगर का जो दबाव था वो दबाव मेरे को पता चल गया कि ये कैसे फायर कर रहा है, और उसके बाद दोस्तों मैंने टारगेट पे .22 से फायर कर दी। कंपटीशन राइफल .22 ही मानी जाती है, कंपटीशन में वही राइफल चलती है। और उसके बाद जब उसका रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मैं फर्स्ट प्लेस पे और जो DM साहब उमाकांत पवार जी थे वो द्वितीय पे, और SDM जोशी मठ जो थे वो तृतीय स्थान पे रहे। और दोस्तों उस समय उन्होंने उस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइस ₹1,000 पुरस्कार रखा था। आप लगा लो 89 में 1,000 पुरस्कार बहुत बड़ी चीज़ थी। तो जब उमाकांत पवार जी ने मुझे एक सर्टिफिकेट और वो ₹1,000 का एक लिफाफा पकड़ाया, तो मैं उनसे कहा सर मैं एक टीचर हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं एक बेस्ट शूटर भी हूँ, परंतु मेरे पास अभी तक अपनी गन नहीं है। बोला रावत आपके पास गन नहीं है? मैं बोला सर मेरे पास तो कोई भी लाइसेंस ही नहीं है। बोला ठीक है रावत आप अप्लाई करो और तुरंत मेरे कार्यालय में पहुँच जाना। दोस्तों एक हफ्ते के अंदर मुझे डबल बैरल गन का लाइसेंस मिल गया। अब डबल बैरल गन का लाइसेंस मिलने पे मैंने देहरादून जाके एक डबल बैरल गन खरीदी, और उसके बाद अब ये था कि मैं भी एक जिसके पास हथियार है वो व्यक्ति बन चुका था, और अब मैं अपनी जो मेरी इच्छा थी फायर करने की, कभी किसी की एमिंग करके फायर करना वो करना, तो अब वो मैं कर सकता था। पहले तो ये था कि जब हथियार ही नहीं तो फायर का आप अपनी इच्छा को पूर्ति कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास तो हथियार ही नहीं है। तो इस पर दोस्तों इस समय तक जो 89 का टाइम था, 89 तक मेरे दो बेटे हो चुके थे, एक अजय और एक विजय, और ये उस समय लगभग 5-6 साल के थे। 2000 में जब मैं इस गैरसैन क्षेत्र में था, तो यहाँ से जो आदबद्री क्षेत्र है, इस आदबद्री क्षेत्र पर एक आदमखोर सक्रिय हो गया था, और वो अक्सर मैंने 2 महीने में एक एक दो दो बच्चों को मारता जा रहा था, तो बहुत लंबा टाइम हो गया था। तो चलते चलते जब 2000 से वो शुरू हुआ था, और उसके बाद लगभग वो 10 बच्चों को मार चुका था, तो एक सनसनीखेज वो था कि जैसे रुद्रप्रयाग का जैसे आदमखोर स्टार्ट हो गया है, और फॉरेस्ट वाले उसको कैप्चर करने की और हर प्रकार की कोशिश कर रहे थे, मारने के लिए शूटर बुलाए जा रहे थे, परंतु ये सक्सेस नहीं हो रहे थे। तो दरअसल समय हमारे विधायक डॉक्टर निशंक हुआ करते थे, और उस समय मेरी मिसेज जो थी जानकी रावत वो जिला पंचायत सदस्य थी। तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, क्योंकि मैं एक बेस्ट शूटर हूँ और मेरे पास भी गन है, जो ये लेपर्ड है ये अगल बगल के हमारे जो स्कूलें हैं उन स्कूलों के ये 10 बच्चों को मार चुका है, क्यों ना मुझे भी इसको मारने का परमिट दिया जाए। तो परंतु वन विभाग वाले कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो एक बार जो एक बैठक कैरसैन में हुई, उसमें मैंने अपनी एप्लीकेशन लगाई, और मिसेज ने जो हमारे विधायक जी थे विधायक जी से एक रिक्वेस्ट की, उस क्योंकि उस समय UP हुआ करता था,
कि इन्हें जो है जब ये लोग परमिट मांग रहे हैं तो इनको परमिट दिला दो, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं अपनी छुट्टियों में अपने अवकाश के दिनों में ही इस लपट को मारूंगा, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी और कम से कम बच्चों के हत्यारे इस गुलदार को मैं मार सकता हूँ। तो बहुत बड़ी मुश्किल से 31 अगस्त 2001 को मुझे वो परमिट जारी किया गया। तो दोस्तों 2001 को जब मैं परमिट जारी हुआ तो उसके बाद मैं आदिबद्री क्षेत्र में पहुंचा, क्योंकि हम मेरे बिल्कुल ही नज़दीकी था। तो उस समय एक भलसों एक गांव है, उस गांव में एक बालिका को उस गुलदार ने घायल किया था। तो वहाँ पे फॉरेस्ट का अपना कैंप बना हुआ था, तो मैं भी वहाँ पहुँच गया क्योंकि परमिट उनको भी मिल चुका था। तो वहाँ पे एक रेंजर साहब जो थे वो ताजवर रावत और एक जो हमारे गैरसैंण के रेंजर थे कल्याण सिंह रावत जी, वो रिटायर्ड फौजी थे, ये दो आदमी वहाँ पे उस समय शूटर के रूप में काम कर रहे थे। सबसे पहले जब मैं फॉरेस्ट के कैंप पे पहुँचा तो सबसे पहले जो परमिट में लिखा हुआ था कि आप अपना हथियार चेक करवाएंगे फॉरेस्ट वालों से और ये सारी चीज़ें उनके साथ रहेंगे, आप कहीं भी अकेला फायर नहीं करेंगे, बिना उनकी आज्ञा के आप इधर उधर नहीं जाएंगे, तो बहुत सारे प्रतिबंध उस परमिट में लिखे हुए थे। तो उस पर काम मैं कर रहा था तो उसके अनुसार तो काम करना था। फिर मेरा फर्स्ट परमिट था और आदमखोरों के बारे में वास्तव में मैं जानता नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी वो कह रहे थे आप आदमखोरों के बारे में क्या जानते हैं, तो हम वास्तव में हम कुछ नहीं जानते थे। तो उसके बाद उस लपट को मारने के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े शिकारी उस समय जो वर्तमान के उस समय बहुत बड़े बड़े शिकारी थे, जैसे राकेश बर्तवाल जी हुए, ठाकुर दास जोशी हुआ, कोटद्वार से प्रेम सिंह नेगी हुए, ये बहुत चर्चित थे उस समय। इन लोगों ने बर्तवाल ने लास्ट तक 20 आदमखोर मारे, प्रेम सिंह नेगी ने 17 और ठाकुर दास जोशी ने भी लगभग 20-22 उन्होंने भी मारे थे। तो मेरे को उस समय इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और किन कठिनाइयों में बाल बाल गोली से बचकर और लंबे समय 8 महीने तक मैं कंटिन्यूस इस आदमखोर को मारने पे लगा रहा। क्यों? केवल जो बच्चों के हत्यारे को मैं मार सकूं और जो बच्चे देश और राष्ट्र की धरोहर है उस समय हमारे, जो सारा दिन रात जो हम मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों के पीछे, उन बच्चों का ये पता नहीं था कि कौन बच्चा आज हम छुट्टी कर रहे हैं, बच्चे घर जा रहे हैं और सुबह कौन सा बच्चा स्कूल नहीं आएगा, किसको गुलदार ले जाएगा, ये कोई मालूम किसी को नहीं था उस समय। दोस्तों इससे मैं इस टाइम पे मैंने राकेश बर्तवाल जी से किस प्रकार से ओपन गाड़ी में सर्च किया जाता है, किस प्रकार सर्चिंग की लाइटें मारी जाती हैं, प्रेम सिंह नेगी से किस प्रकार मचाने बनाई जाती है, कहाँ मचान बनाना सूटेबल होगा, किस प्रकार गुलदार या लेपर्ड किसी बकरे पे या कुत्ते पे अटैक करता है, तो किस समय हमको लाइट बालनी है और किस समय हमको फायर करनी है, ये सारी चीज़ें सीखने का बहुत मौका मिला और मैं इन चीज़ों को सीखता रहा। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि इस लेपर्ड द्वारा एक किल किया गया और उस किल के टाइम पे, क्योंकि वो बीच में 2-3 महीने ब्रेक कर दिया था उसने, लगभग 1.5 महीना ब्रेक कर दिया था, तो सारी टीमें फिर वापस चले गई थी। और तुरंत जब किल हुआ तो मैं सबसे नज़दीक पे था, बाकी फॉरेस्ट वाले तो थे, तो मैं वहाँ पहुँच गया था क्योंकि मेरे तो बगल ही पे था, इसलिए मैं उस दिन वहाँ था। और उसके बाद मेरे द्वारा जो मेरे पास उस समय सर्च लाइट नहीं थी तो मैंने दिल्ली से सर्च लाइट मंगवाई और उसके बाद अपनी गन लेके, अब तो मेरे पास सर्च लाइट हो गई थी, और उसके बाद ओपन गाड़ी से जब मैं सर्च कर रहा था तो मेरे को एक 10 साल का जो बच्चा था वो बर्तन माँज रहा था और उससे 10 मीटर पे गुलदार घात लगाए हुए खेत में बैठा हुआ था। तो तब 15 मार्च 2002 को मेरे द्वारा ये फर्स्ट लपट मारा गया। और लपट मारने के बाद मेरे को तो शक था कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं मार दिया होगा, कि मेरा प्रथम फर्स्ट लपट था वो भी मैनीटर।
परंतु जब देखा गया कि वास्तव में यही आदमखोर है, तो उस समय मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं उन बच्चों के हत्यारे को मारकर उन बच्चों की आत्मा को मैंने शांति दे दी थी, और उसके बाद मैं एक अध्यापक से एक शिकारी बन गया। और उसके बाद दूसरे जो लपट मैंने अपनी स्टोरी में भी डाला था कि पहला फर्स्ट और सेकंड मैनिटर मारना कितना डिफ़िकल्ट होता है, वो स्टोरी शायद आप लोगों ने देख ली होगी। उसके बाद मुझे राइफल लाइसेंस दिया गया डीएम द्वारा, और इस आदमखोर पे 5,000 का पुरस्कार था वो दिया गया, और उसके बाद मेरे द्वारा राइफल खरीदी गई, और क्योंकि मैं राइफल का तो शूटर था ही, इसलिए मैं इस मुकाम पे और इस रास्ते को मैंने अपने टीचिंग के साथ साथ इस रास्ते को भी अपना लिया, और अब मैं दोनों रास्तों पे चलने लग गया था। दोस्तों, मेरे द्वारा 2004 में उत्तरकाशी का आदमखोर जब मारा गया, क्योंकि उसने केवल 14 दिन में 5 बच्चे मार दिए थे और सब बड़े बड़े शिकारी फेल हो गए थे, यानी वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, तो उसके बाद मैं चर्चाओं में लगातार आने लग गया। उसके बाद 2006 में मेरे द्वारा चंपावत के मंडलक रौसाल क्षेत्र में एक ऐसे आदमखोर को मारा गया, जिसमें शफ़त अली खान जो हैदराबाद वाले हैं वो भी आए थे, और ठाकुरदा जोशी, संजय कुमार, ये सारे लोग उस समय फेल हो चुके थे। ये लगातार 3 साल से एक्टिवेट था और ये 9 किल कर चुका था, और उसके बाद मेरे द्वारा केवल 13 दिन में ये दो जो जोड़े में दो, क्योंकि माँ और बेटी दोनों आदमखोर थे, और दोनों को केवल 13 दिन में मार दिया गया, और उसके बाद मैं अपने आप ही एक लाइट जैसे होती है लाइट में आता गया। और उसके बाद 2009 में मेरे द्वारा एक साल में 12 आदमखोरों को मारा गया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। एक साल में ही 12 आदमखोर मारना एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। 2009 में आग लगने के कारण उत्तराखंड के लगभग 50% जो वन संपदा थी वो समाप्त हो चुकी थी, और उस समय सबसे ज़्यादा लपट आदमखोर हुए थे, और आप लगा लो एक साल में 12 आदमखोर मारना, यानी आदमी पूरे साल भर लोगों की जन सेवा में ही लगा रहा। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि उस समय मेरे बेटे लोग जो थे, कोई हाई स्कूल में था, कोई 8वीं में पढ़ रहा था, तो उस समय उनको एक गार्जियनशिप की आवश्यकता होती है, परंतु मैं एक जन सेवा पे लगा हुआ था, तो ऊपर वाला भी देखता है, क्योंकि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ और घर में कोई गार्जियनशिप नहीं है, बच्चे लोगों को समय तो पढ़ाई में बहुत ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है माँ बाप की, परंतु ऊपर वाले ने उनको भी बुद्धि, बढ़िया बुद्धि दी, और वो भी अपने अच्छे नंबरों से उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते रहे। जब मैं आदमखोरों का शिकार कर रहा था, तो आप लगा लीजिए 2009 में मेरी मिसेज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि आपने मेरी कहानियों में भी देखा होगा कि जब मैं रात को यहाँ से चल रहा हूँ देवप्रयाग के लिए, तो वो भी रात भर जागी है, यानी यदि घर का आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप इतने किसी भी कार्य को आप इतने सरलता से नहीं कर सकते हैं। तो इस कार्य में मैं अपनी मिसेस को भी बराबर का भागीदार मानता हूँ, क्योंकि यदि वो मुझे इस प्रकार से सपोर्ट नहीं करती तो मैं ये कार्य बहुत आसानी से नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर तो ये होता था घर में बच्चों की पढ़ाई है, घर में ये काम है, ये करो, हर काम के लिए होता, तो फिर मुझे इस कार्य के लिए वक्त नहीं मिलता। परंतु वो ऊपर वाले के द्वारा एक जोड़ी बनाई जाती है, जिससे कि जिस आदमी को जो कार्य करना है वो सरलता से हो जाता है, और मौत तो ऊपर वाले की लिखी होती है कि जब उसने आपके हाथ मारे जाना है तो वो तुरंत आप ही के पास आएगा। 2009 का मैं एक वाकया सुनाऊं आपको। उस समय मैं रात और दिन लगातार आदमखोरों के साथ था, यानी
एक साल में 12 आदमखोर मारने का मतलब है आप पूरे साल बिजी हैं। तो एक बार मैं कहीं और आदमखोर मारने के लिए नियुक्त था और मैं वहाँ अपने कार्य कर रहा था। पौड़ी में एक आदमखोर लग गया था और उस वो मुझे बुला रहे थे, परंतु मैं दूसरे परमिट पे कार्य कर रहा था। तो दोस्तों, उस समय मेरे पास एक इस प्रकार की टेलीपैथी आ गई थी कि यदि पौड़ी का गुलदार कोई घटना करना चाहता है तो वो उससे पहले मुझे सपने में दिखाई देता था। और मैंने फ़ोन द्वारा पौड़ी DFO को भी बताया कि आप आज सतर्क हो जाओ, आप आपके यहाँ कोई एक घटना और जो है वो लेपर्ड द्वारा की जानी है। तो जब वो घटना हुई तो बड़े चौंक गए कि वास्तव में ये आदमी हमें पहले ही बता दे रहा है कि आपके यहाँ आज लेपर्ड घटना कर रहा है। जब वो मारा गया, उस समय भी मैंने जॉय हुकील के द्वारा उसको मारा गया, तो मैंने जॉय हुकील को बताया कि जॉय हुकील आज आप उस आदमखोर को मार रहे हैं। तो जॉय हुकील को बाद में मैंने जॉय हुकील से पूछा, क्योंकि जॉय हुकील ने जब मैंने बोला तो उसने उसको मारा था, परंतु वो बता रहे थे कि भाई साहब सुबह रात खुल गई थी और 4 बज चुके थे, तब तक हमने आदमखोर नहीं मारा था। तो मेरे को ये लग रहा था कि रावत जी कह रहे थे कि आज आदमखोर तुमने मारना है, परंतु अभी तक तो आदमखोर हमको दिखाई नहीं है। तो 5 बजे इस प्रकार की घटना होती है कि वो आदमखोर किसी बछड़े को अटैक कर लेता है और तुरंत जॉय हुकील वहाँ पे पहुँचते हैं और वो गुलदार फिर वापस जब वो बछड़े के लिए आता है तो उसी समय शूट हो जाता है। तो वो बताता है कि वास्तव में कि आपने कहा था कि आज आप आदमखोर को मार रहे हैं और वो आदमखोर उसी दिन मारा गया। दोस्तों, मैं इसको एक इस प्रकार की शक्ति से जोड़ता था क्योंकि मैं इसको देवी वाहन के रूप में मानता था और उसी की शक्तियों के साथ इसको जोड़ के ही हमेशा देखता हूँ। और उस समय तो मैं बहुत ही ज़्यादा बिना पूजा के घर से निकलता ही नहीं था, जब तक पूजा करूँगा उसके बाद ही तभी आदमखोरों के शिकार करने के लिए मैं निकलता था। और उस समय भी ये होता था कि जो घटना पहले होने वाली है वो मुझे पहले दिखाई देती थी और उसके बाद दूसरे दिन यदि मैंने वो घटना हो गई है तो मैं ये सोचता था कि मैं गया और उसको मार के मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ, यानी तुरंत क्विकली मतलब जो मैं जाऊंगा और वो मुझे सीधे दिख जाएगा और मैं उसको मार के तुरंत वापस आ जाता था। ये घटनाक्रम उस समय इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मैं पूरे साल भर जो था आदमखोरों के साथ ही काम कर रहा था, लगातार एक जगह से छूटो दूसरी जगह पहुंचो, दूसरी जगह से छूटो तीसरी जगह पहुंचो। तो पूरे साल जब आदमी केवल आदमखोरों के बारे में ही सोच रहा है, आदमखोरों पे ही काम कर रहा है, तो वो स्वाभाविक था कि मेरे सपने में, मेरी सोच में, मेरी बातों में, मेरे पढ़ने में सारे जगह आदमखोर ही आदमखोर थे। तो आप लगा लो एक स्वाभाविक थी वो टेलीपैथी होना, बहुत अपने आप ही स्वाभाविक हो गया था। 2009 ही एक ऐसा वर्ष था जिस वर्ष ने सारे विश्व को हिला के रख दिया, जब मैंने कॉर्बेट साहब के 33 जो टोटल लेपर्ड और टाइगर उनके द्वारा मारे गए, उस संख्या को जब मैंने पार किया। उनके द्वारा टोटल 33 मारे गए थे जिसमें केवल आदमखोर 12 थे, तो 12 में एक साल में ही मार चुका था मैं टोटल, मैं केवल आदमखोर एक साल में 12 मार चुका था। उनके पूरे टोटल में 12 ही आदमखोर थे और उनकी तो टोटल संख्या 33 थी। 33 को जो मैंने पार किया तो आप ये लगा लो मेरे पे बाहर से जो विदेश से सारे पत्रकार, सारे मीडिया एकदम उनका फोकस मेरी ओर होने लगा। मेरे पे उस समय डिस्कवरी में लुट्स ऑफ द लेपर्ड, 21 सेंचुरी कैट, ये फिल्में बनी जो नेशनल ज्योग्राफिकल और डिस्कवरी चैनल पे चले। सबसे पहली जो पत्रिका में मेरा जो लेख छपा वो वाशिंगटन पोस्ट में, जब 2009 में मेरा लेख छपा तो उससे सारे विश्व को एक प्रकार से झकझोर दिया कि एक अध्यापक भी एक शिकारी बन सकता है।
और दोस्तों उसके बाद में बंदूक वाले मास्टर जी के नाम पे प्रसिद्ध हो गया। मेरे द्वारा बहुत सारे ऐसे आदमखोर भी मारे गए जो एक जनता के लिए चुनौतीपूर्ण थे या जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि लपट द्वारा इस प्रकार का व्यवहार भी किया जाता है। आपने अल्कोहली मॉनिटर अभी मेरे द्वारा ये स्टोरी आप लोगों को सुनाई नहीं गई, अपना अनुभव मैं आपको सुनाऊंगा कभी, परंतु मैं पहले इसके सारे फोटोग्राफ्स और उनको एकत्र कर रहा हूँ और पल कैलोरी ने इसको मेरे द्वारा जो मेरी स्टोरी थी उसको शायद वीडियो उसकी बना के उसने डाली थी। तो मैंने लोगों को ये बताया कि एक 16 किल करने वाला आदमखोर लपट शराबी भी हो सकता है और मेरे अपने लगातार अनुभवों से उसके 3 या 4 बार तो मैं वहीं गया, उसके हर चीज़ के इसके बारे में देखने पर मैंने देखा कि इसने केवल शराबियों को ही शिकार बनाया है आया। और सबसे पहले जब जिस 2-3 बॉडियों पे जिन पे मैं बैठा तो मैंने देखा था ये पूरी आंत तक खा चुका था उनकी, तो उसी को मैं इस प्रकार से प्रकाश में लाया तब कि जन जन तक लपटों के व्यवहारों के बारे में लोगों को पता चल सके। तो अल्कोहली मॉनिटर एक इस प्रकार का रोमांचकारी अनुभव है, वो अब मैं अपने अनुभवों की कड़ी में आपको सुनाऊंगा। उसके अलावा अनेक पत्रिकाओं में, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इसमें भी मैं बहुत प्रकार के अपने लेखों को देता रहा हूँ, क्योंकि जो परिवर्तन लपटों के व्यवहार में आ रहा है उसको जनता को बताना बहुत ज़रूरी है, या उस जो किसी कार्यालय में बैठा अधिकारी होगा उसको जब तक वो ऑन ग्राउंड नहीं देखेगा तब तक उसको क्या मालूम कि क्या हो रहा है। परंतु मैंने अपने लेखों के हिसाब पे उससे ये बताया है कि अब लपट के व्यवहार में बहुत अंतर हो चुका है, पे चले तो हम लपट के व्यवहार को समझ ही नहीं पाएंगे और हम पुराने हिसाब पे सोचेंगे कि एकाकी है। हम देख रहे हैं अभी आपने मेरा बागेश्वर वाला अनुभव देखा है जहाँ मैंने बताया था, पहले ही उनको बता दिया था कि ये एक स्थान पे 4 लपट एक साथ रह रहे हैं, वो भी 2018 में, क्योंकि एक साथ रहना लपटों के व्यवहार के बिल्कुल खिलाफ था, परंतु वो प्रकृति में इस प्रकार से रहना सीख गए हैं। और 2012 में मैंने अपने एक किताब निकाली थी पहाड़ के नरभक्षी, उसमें मैंने बहुत सारे बचाव के तरीके बताए थे और फिर उसका सेकेंड वॉल्यूम बहुत जल्दी मैं प्रकाशित कर रहा हूँ और शायद 1-2 महीने बाद शायद प्रकाशित हो जाएगा। उसमें आप लोगों को मिलेगा कि हम उन गुलदारों से कैसे बच सकते हैं, भाई जो उन्होंने व्यवहार के कारण हमसे या हमारे साथ सामंजस्य करने से एक साथ रहना सीख लिया, शिकार करना सीख लिया, भाई इंसान उस पुराने धर्रे को छोड़कर वो भी तो देखे कि हम लपटों के साथ किस प्रकार से रह सकते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक प्रजाति बिल्कुल समाप्त हो जाए या इंसानी समाप्त हो जाए या लपटी समाप्त हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। रहना तो हमको उत्तराखंड में है तो हमको, या पूरे देश में है, कश्मीर में, हिमाचल में है, गुजरात में है, जहाँ भी हमको रहना पड़ेगा लपटों के साथ रहना पड़ेगा। लपटों के साथ रहने के लिए हम उसके व्यवहार को जानना बहुत ज़रूरी होगा और एक समय ऐसा आएगा कि लोग गुलदार के व्यवहार को सीखने के लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब गुलदारों के साथ रहना पड़ेगा तो उन क्लासों में लोग अटेंड करेंगे तब सीखेंगे उनके व्यवहारों को। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको ये हमारी भविष्य की आवश्यकताएं हैं, हमको इनके व्यवहारों में सीखना बहुत ज़रूरी है और बहुत आवश्यकता पड़ेगी इस चीज़ की। और दोस्तों नेशनल चैनलों में लगभग सारे चैनलों पे मेरी वीडियोस बनी, फिल्में बनी, अभी एक फिल्म की शूटिंग पिछले 23 जो 2023 मई में हुई है, अभी वो रिलीज़ नहीं हुई, शायद जब रिलीज़ होगी तो मैं उसका लिंक आप लोगों को डाल दूंगा और आप लोग उसको भी देखें, क्योंकि वो विश्व में 7 देशों पे बन रही है
और जो भारत वाली जो वीडियोस बनी है, जो भारत की जो रिकॉर्डिंग है उसमें, वो मेरे पे बनी है। इसकी शूटिंग जोशीमठ, पौड़ी इन जगह हुई है और अभी रिलीज़ नहीं हुई है, और जब ये रिलीज़ होगी तो मैं आप लोगों को इसका लिंक डाल दूँगा। दोस्तों उसके बाद मैं एक अध्यापक से शिकारी बन गया, और ये दोनों काम करते करते मैंने 55 आदमखोर गुलदार और बाघों को मारा, जिसमें 10 से ज़्यादा मैंने केस पे बंद किए। और हमेशा सफलता हर समय नहीं मिलती है, और लगभग 10 या 15 जो लेपर्ड है मेरे, जिनको मेरे द्वारा फायर किया गया और वो घायल होने के बाद मुझे नहीं मिले, परंतु वो क्षेत्र नरभक्षी विहीन हो गया था। तो लगभग एक आदमी जो 100 से ज़्यादा आदमखोर बाघ और लेपर्डों को ट्रैक कर चुका है, उस ऑपरेशन में भाग ले चुका है, तो मैं ये चाहता हूँ जितना मेरा अनुभव है, मैं क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है वो अंतिम समय तक सीखी जा सकती है, और क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, इस दुनिया में एक दिन तो सबको जाना है, कहीं ऐसा ना हो अपने अनुभवों की गठड़ी को हम अपने साथ ही ले जाएं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, और लोग भी देखें इन अनुभवों को, और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेरे पास अपने अनुभव होंगे मैं उन अनुभवों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाऊं, पर लेकिन पारिवारिक और उनमें होता ही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नाती नतीने हैं उनके साथ, या घर में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, इसलिए आजकल आईपीएल के मैच भी चल रहे हैं उसको भी देखते हैं, तो उतना टाइम हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, परंतु मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी मेरा अनुभव होंगे सारे अनुभवों को आप तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा। दोस्तों मेरे 55 आदमखोर मारने पर भी अभी तक किसी भी प्रकार से किसी भी सरकारों के द्वारा, चाहे वो उत्तराखंड सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे कोई भी हो, कोई किसी ने किसी भी प्रकार का कोई पुरस्कार मुझे नहीं दिया। हाँ एक माला डाल दो, वो तो मुख्यमंत्री, जितने मुख्यमंत्री बने वो जहाँ आए और वहाँ उन्होंने एक माला डाल के सम्मानित किया, परंतु इतने साल 24 साल निःशुल्क सेवा करने के बाद भी कभी भी किसी ने ये भी नहीं, मुझे ये तक नहीं पूछा कि वास्तव में रावत जी आप इतने दूर इतने आदमखोरों को आप मारते हैं, क्या आपका पैसा भी कभी खर्च होता है। तो दोस्तों ये लगा लो कि मैंने अभी तक पूरी एक प्रकार से निःशुल्क सेवा, निःशुल्क जन सेवा की है, और इंसानों को ही नहीं अनेक प्रकार के गुलदारों को जो निर्दोष थे उनको बचाया है, और उन्हीं को बचाने में, क्योंकि जब गुलदार का इंसान बहुत दुश्मन हो जाता है तो उस समय यदि आदमखोर को न मारा जाए तो बहुत प्रकार से लोग अन्य गुलदारों को भी क्षति पहुंचा देते हैं, तो मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं उन निर्दोष गुलदारों को भी बचा रहा हूं। तो 31 मार्च 2024 को 39 साल 5 महीने और 16 दिन सेवा करने के बाद मैं रिटायर हो गया हूँ। अब मैं घर पे हूँ आप लोगों को अपने अनुभव सुनाने के लिए, हर टाइम हाजिर हूँ। अब आप लोग कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों मेरा ये अनुभव आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि बाई चांस कोई चीज़ इसमें छूट गई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।